हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट निकल कर जो सामने आ रही है वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग टर्म 2 का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि 27 अप्रैल को क्लास 10 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है इंग्लिश पेपर। सो स्टूडेंट्स, आप सब इंग्लिश पेपर का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं और हम लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, और कुछ PDF फाइल के रूप में, कुछ वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड भी किया जा रहा है और सारे स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, होम जिस प्रकार से कोविड का केसेस जो है दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, लगभग 27% इंक्रीज कर गया है और अभी एट प्रेजेंट रेट में, तो इस कंडीशन में जो है होम सेंटर का, पेरेंट्स का डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्कूलों का, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है सेंटर दिया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है वो लगभग 100-150 किलोमीटर दूर भी दिया गया है। तो इसलिए इस कोविड के सिचुएशन को देखते हुए कि उम्मीद करते हैं कि CBSE के द्वारा से, खास करके उस जगह पर जहाँ कोविड की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर जो है वो होम सेंटर देने की संभावना, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स अगर हम देखें, एग्जामिनेशन जो गाइडलाइन पर कहा गया है कि एग्जामिनेशन जो है वो नियरेस्ट के लिए एग्जामिनेशन लिया जाए, यानी आपके स्कूल से जो नियरेस्ट होंगे वहाँ पर स्कूल में एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। तो गाइज, आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का एडमिट कार्ड मिला है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे कह रहे हैं कमेंट्स करके कि अभी तक हमें एडमिट कार्ड नहीं मिला है। तो गाइज, एडमिट कार्ड ओवरऑल रिलीज कर दिया गया है, बहुत पहले ही बच्चों को रिलीज कर दिया गया है। सो गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँ कि आप सभी का एग्जामिनेशन को लेकर, 10 और 12 वाले बच्चों, आप सभी का 10 का जो है ये स्टडी मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड भी किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।